हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो। फाइनली आपके लिए यहाँ पर नया वीडियो लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एमपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं के यहाँ पर रुक जाने परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। और साथ ही आपको यहाँ पर अपना रिजल्ट कहाँ से देखना सब कुछ बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, साथ ही आपको इस वीडियो में डेट भी बताइए किस डेट को आपको यहाँ पर रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं, हमने मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट निकाल के रखी है। और साथ ही यहाँ से आपने यहाँ पर रुक जाने योजना की आपके टाइम टेबल भी यहाँ पर आया था, साथ ही एडमिट कार्ड भी आपके यहीं से आए थे, ठीक है। यानी बहुत से स्टूडेंट ने टाइम टेबल और एडमिट कार्ड यहीं से डाउनलोड किए थे। और यहाँ पर रुक जाने योजना की यह ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर रिजल्ट कब आएगा इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे, और साथ ही आपको अपना रिजल्ट कहाँ से देखना वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ पर जो रुक जाने परीक्षा का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो स्टूडेंट आपको बता दें कि जो आपके यहाँ पर रिजल्ट है वो रिजल्ट आने वाला आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में, ठीक है। आपका स्टूडेंट अगस्त के यहाँ पर फर्स्ट वीक में आपके यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर रिजल्ट के फर्स्ट वीक में किस तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में किसी भी तारीख को आपका अपना रिजल्ट आ सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर अगस्त के आपको फर्स्ट वीक के यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर वेट करना है। आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका यहाँ पर रिजल्ट आने वाला, लेकिन अभी आपका ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। जैसे ही आपका ऑफिशियल नोटिस आ जाता है तो उसका वीडियो भी हम आपके लिए बना देंगे। लेकिन यहाँ पर, ठीक है, जो आपका यहाँ पर रिजल्ट की चांस बढ़ रहे हैं वो आपके रिजल्ट की चांस बढ़ रहे हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा 10वीं और 12वीं, ठीक है। और साथ ही आपको अपना रिजल्ट कहाँ से देखना है, तो स्टूडेंट आपको अपना रिजल्ट देखने के लिए क्या करना है, सिंपली सा जैसे ही आपके यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है तो आपको यहाँ पर गूगल में सर्च करना है mpsos.nec.in, ये आपको सर्च करना है, ठीक है, रिजल्ट देखने के लिए। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आप इसी पेज पर आ जाएंगे, जो पेज हमने निकाल के रखा इसी पेज पर आप आ जाएंगे। और सिंपली से आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए क्या करना, जैसे ही आपके यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है तो आपको यहाँ पर रिजल्ट इमिग्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली से आपको इसी पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा लोड लेगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं, आपको यहाँ पर रिजल्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट आप यहाँ पर थे, एग्जाम मार्च 2023 के यहाँ पर रिजल्ट आया था। तो स्टूडेंट जैसे ही आपके यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा तो आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिए रिजल्ट रिजल्ट के जस्ट नीचे, ठीक है, रिजल्ट के यहाँ पर जस्ट नीचे एक न्यू लिंक ऐड हो जाएगी, वहाँ पर लिखा रहेगा एग्जाम जून 2023, ठीक है। इस तरह से आपका लिखा रहेगा एग्जाम जून 2023, और उसके नीचे आपका लिखा रहेगा यहाँ पर रुक जाने नहीं योजना एग्जाम के लिए 10वीं 12वीं, ठीक है, इस तरह से आपका लिखा रहेगा। तो यहाँ पर आपकी एक न्यू लिंक ऐड हो जाएगी, अभी आपकी न्यू लिंक ऐड नहीं हुई है। जो आपकी न्यू लिंक ऐड होगी वो आपकी यहाँ पर अगस्त के जैसे ही आपके यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है तो आपके यहाँ पर न्यू लिंक ऐड हो जाएगी। और जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना, सिंपली से आपको अपना रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर और आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आपको बता दें कि जो आपका यहाँ पर रिजल्ट है वो आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगा। और साथ ही हमने आपको बता ही दिया कि आपके यहाँ पे एक न्यू लिंक ऐड हो जाएगी, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से अपना रिजल्ट देख पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जैसे ही आपका ऑफिशियल नोटिस आ जाए तो उसके वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते, टेक इन, बाय बाय।